चतरसे स्टार्ट होता है और उसी बेस के ये सवाल है। लद्दाख के लोग खानकाओं को गुम्पा कहते हैं। शाही ठाकसे और हमसे गुम्पा के मशहूर गुम्पा है, लद्दाख के मशहूर गुम्पा है, यहाँ के मशहूर गुम्पा है। इसका सवाल बनाना है, लद्दाख के लोग खानकाओं को क्या कहते हैं? यहाँ है लद्दाख के लोग खानकाओं को गुम्पा कहते हैं। पहले हम इसी का देखते हैं, लद्दाख के लोग खानकाओं को क्या कहते हैं? लद्दाख के लोग खानकाओं को क्या कहते हैं? लद्दाख के लोग खानकाओं को क्या कहते हैं? ये एक सवाल बन गया, लद्दाख के लोग खानकाओं को क्या कहते हैं? शाही ठाकसे और हमसे गुम्पा यहाँ के मशहूर गुम्पा है, इसको हम लिखेंगे। लद्दाख के मशहूर गुम्पाओं के नाम बताएं, गुम्पा के नाम बताएं, लद्दाख के जो मशहूर गुम्पा है उनके नाम बताएं। हो गया ये पहला। दूसरा है, शाही में एक मस्जिद भी है जो शाही हमदान वीर सैयद अली हमदानी के नाम साथ के साथ मनसूब है, इसका हम लिखेंगे। शाही में एक मस्जिद है जो किसी बुजुर्ग के साथ, वो किस बुजुर्ग के साथ मनसूब है? शाही में एक मस्जिद है, वो किस बुजुर्ग के साथ मनसूब है? किस बुजुर्ग के साथ मनसूब है, उसका नाम बताना है। तो ये खुद खुद सवाल बन गया। लद्दाख का सबसे बड़ा बुद्धहार हमसे गुम्पा है, ये लेह से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर्वत। सवाल, लद्दाख का सबसे बड़ा बुद्धहार कौन सा है, कौन सा गुम्पा है, और वो किस जगह पर वाका है, और वो किस जगह पर वाका है? हो गया हमारे ये एक दो तीन बन गए इसके सवाल। अब है यहाँ पे सवाल, दिए गए इशारात की मदद से खाली जगहों को पूर कीजिए। दिए गए इशारात की मदद से खाली जगहों को पूर कीजिए। ये इशारात दिए गए, डाल लाम वाव दाल खाई और डैश डैश बाकी डैश डैश है, यहाँ मैंने भरे हैं, आप खुद भर। पहले लिखता है इशारा, दाएं से बाएं, यानी हमें यहाँ से यहाँ बनाने, यहाँ से यहाँ चलना है, दाएं से बाएं। डैश डैश की डाली पर बुलबुल है, डैश डैश की डाली पर बुलबुल पे हम देखेंगे यहाँ से क्या। दाल रे खाईते दरख, दाल रे खाईते दरख, दरखत की डाली पर बुलबुल है, इसका मतलब पहली डैश डैश में दरखत, बुलबुल डैश डैश पर बैठा, डैश डैश पर है, डाल इलिफ लाम ये डाली पर बैठा है, डाल इलिफ डा हम ये ली डाली पर है, बुलबुल डाली पर है। अब ऊपर से नीचे, अब हमें जो ये पहले हम यहाँ दाएं से ले रहे थे, अब ऊपर से आना है हमें। कश्मीर एक खूबसूरत डैश डैश है, कश्मीर एक खूबसूरत वादी, वाव डाल दिया है, वाव इलिफ डालिए दी वादी, कश्मीर एक खूबसूरत वादी है। सुहेल ने सजाद के नाम डैश डैश लिखा, सुहेल ने सजाद के नाम खत लिखा, सुहेल ने सजाद के नाम